चलिए आइए शुरू करते हैं। वो सूट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कटिंग दिखाई थी ना, उसी सूट की आज मैं स्टिच कर रही हूँ। दोनों सूट की तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि सिंपल प्लेन तो सूट हैं दोनों, तो इसीलिए एक ही सूट की स्टिचिंग आपको दिखाती हूँ मैं। ये मैंने शुरू कर दिया स्टिच करना, सिंपल प्लेन गला पाइपिंग वाला इसी कपड़े की पाइपिंग लगाऊंगी। मैंने कुछ इसमें डिज़ाइन नहीं किया है क्योंकि ये घर में पहनने का ही सूट है सिंपल, और फिर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इसमें डिज़ाइन कुछ करती तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता, तो कम टाइम की वजह से मैंने इसको सिंपल ही सी दिया। ये मैंने 1.5 इंच के अराउंड मैं नापे बगैर मैं कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं करती हूँ कटिंग स्टिचिंग, तो मुझे आइडिया है। ये 1.5 इंच के अराउंड मैंने पाइपिंग के लिए कपड़ा कट कर लिया है, आड़ी पट्टी। बस इसी से सिंपल प्लेन मैंने कोई बुकरम नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, जल्दी जल्दी करके इसी को स्टिच कर दिया। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करा करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। स्टिच हो चुका है, चलिए अब करेले और चने की दाल की सब्ज़ी बना लेते हैं फटाफट करके जल्दी जल्दी। ये मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज ले लिया, हालांकि ज़्यादा डलती प्याज लेकिन प्याज कम थी तो मैंने इस वजह से 2 ही प्याज लिया, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ये आधा किलो करेले, आधा किलो करेले में 2 करेले ख़राब हो गए थे वो मैंने निकाल दिए इसमें से, तो ये आधा किलो करेले हैं। इनको मैंने हल्का हल्का ऊपर से छील लिया और 2 पीस करके बीच में से इनके बीज निकाल दूँगी। मैं इनके बीज भी नहीं निकालती, अगर ये इसके अंदर बीज केड़े वाले बीज अगर हो तो निकाल दें, अगर सॉफ्ट है तो कोई बात नहीं आप ऐसे ही रहने दें, अगर बीज केड़े नहीं है तो। और इस तरह से हम कट कर लेंगे और जिस तरह मैं बताऊंगी अभी तो उस तरीके से अगर आप कट करते हैं तो बिल्कुल भी आपके करेले कड़वे नहीं होंगे। ये जो ये ऊपर का सिरा रहता है ना, ये डंडी जो रहती है, इसको आप छीलते टाइम कट नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह काटेंगे, ये देखिए पूरे करेले को कट करेंगे तभी लास्ट में निकाल के फेंकेंगे इसको इस तरह से। ये देखिए ऐसे, अगर आप इस तरीके से स्ट्रिक से काटेंगे ना करेले तो बिल्कुल भी आपके करेले कड़वे नहीं होंगे। ना मैं नमक लगा के रखती हूँ ना ही कुछ करती हूँ। ये मैंने चने की दाल ली है 250 ग्राम के करीब, अब मैंने इसको भिगो के रख दिया था 1-1.5 घंटे पहले, भिगो के रख दिया था। 50% तक इसको बॉयल करूँगी, मैंने इसमें नमक डाल के उबलने रख दिया था। 50% तक इसे बॉयल करूँगी और 50% इसको करेले के साथ गलाऊँगी। ये देखिए गल चुकी है। अब ये मैंने इधर तेल गरम होने रख दिया सरसों का, बस सिर्फ जितनी देर चने की दाल बॉयल करी है सिर्फ इतनी देर तो मैंने इसमें नमक लगाया और हैंड टू हैंड कट करा है जल्दी जल्दी पकाने को खड़ी हुई थी मैं। अब मैंने ये नमक लगे हुए करेले धो के अच्छे से वॉश करके निचोड़ के निकाल लिए थे, तेल इधर गर्म हो चुका था। मैंने इसमें तेल में इन्हें करेलों को अच्छे से फ्राई करा, गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस तरह से फ्राई होने के बाद में इस कढ़ाई में से हम इसे निकाल लेंगे। ये मैंने सारे करेले इसमें से निकाल लिए। अब इसी तेल के अंदर हम जो मैंने प्याज काट के रखी थी ये प्याज हम इसमें काट डाल देंगे। और ये मैं हरी मिर्च आपको दिखाना भूल गई थी क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालूंगी। मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, मेरे घर में मिर्च कम खाते हैं तो वो मैंने 6-7 हरी मिर्चें और ये हल्दी डाल दी। प्याज थोड़ी सी गुलाबी होने पर हरी मिर्च और हल्दी और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, ये चीज़ें डालकर हल्का सा भून लिया मैंने। और उसी में करेले और वो जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी उस दाल को भी छान के हम इसी में डाल देंगे साथ में। ये देखिए इस तरह से, बस इसके अंदर मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली है, बस हरी मिर्च और प्याज और हल्दी लहसुन का पेस्ट।
ये चीज़ें डालकर मैंने बनाया और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे, जो ट्रिक मैंने बताई है ना इसको कट करने की, करेले को इस तरह से कट करके बनाएंगे तो बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। अभी 50% तक दाल बॉयल मैंने कर ली थी, 50% इसमें हल्की आँच पे दम पे बना लूँगी। मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, हल्का सा हल्की धीमी आँच पे इसको बनाऊँगी। ये देखिए मैंने इसको ढक के रख दिया और बिल्कुल धीमी आँच पे। ये मेरे को 15 से 20 मिनट मैंने हल्की आँच पे बनाया। देखो दाल बिल्कुल गल चुकी है। ये देखिए दाल तैयार हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है ना, इतनी खाने में भी बहुत मज़े की हो रही है ये दाल। और करेले कड़वे नहीं है तो सभी इसको बहुत मज़े से खा लेते हैं। बस आप जल्दी से फटाफट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।